ये काफ़ी सालों से ये शो कर रहे हैं। तकरीबन ये हमारा 12वां एडिशन है और काफ़ी सक्सेसफुल है। मोटो तो यही है कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया के स्पिरिचुअल, होलिस्टिक एंड वेलनेस से जुड़े जितने भी लोग हैं हमारे, जो वर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों के लिए, हम उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं और उनको एक साथ लाना चाहते हैं। यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हर साल उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स ही नहीं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं यहाँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, पाम रीडर्स हैं, फेस रीडर्स हैं, फूट रीडर्स हैं, बाद में हीलर्स हैं, ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट हैं, मंत्र शास्त्र एक्सपर्ट्स हैं, पैरानॉर्मल हीलर्स हैं, हमारे क्रिस्टल के होलसेलर्स हैं, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, ज्वेलरीज, और ऐसे काफ़ी लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब लोग आए हैं हमारे एक कॉमन मैन, जो बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काफ़ी लोग आते हैं यहाँ, हमसे शेयर करते हैं कि हम यहाँ गए और हमें इतना लॉसेस हुआ और हम ये फंस गए, गलत मिसगाइड किया गया हमें। तो हम ये कोशिश, एस्ट्रो वर्ल्ड का जो मोटिव यही है कि हम इनको सही जगह दिखाएं, सही लोगों से मिलाएं, ताकि हम उनकी लाइफ में थोड़ा अगर 10% भी अगर हम बदलाव ला सके हमारे ही थ्रू, तो हमारे ये एस्ट्रो वर्ल्ड करने का मोटिव सफल हो जाता है। बॉलीवुड में भी काफ़ी लोग बिलीव करते हैं। बिल्कुल जी, तो क्या कहना चाहेंगे उनकी तरफ से, किस तरह का फीडबैक आता है जब कोई सजेशन जाता है? बॉलीवुड हमारे जैसे एस्ट्रो वर्ल्ड है, वैसे हम हर साल पिछले 4 साल से इंस्पायर स्पिरिचुअल होलिस्टिक एंड वेलनेस विजनरी अवार्ड्स कर रहे हैं, जिसमें हर टाइम अलग अलग सेलिब्रिटीज़ आती हैं। दिव्या दत्ता जी आई हैं, रिमी सेन जी आए हैं, महेश मांजरेकर जी आए हैं, लास्ट ईयर सोहा अली खान जी आए हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन हमें मिलता है एंड कनेक्ट करते हैं हम उनको, और कहीं ना कहीं आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, लेकिन कहीं ना कहीं हम कोशिश करके उनको भी सही सपोर्ट हैंड्स या एक्सपर्ट से हम जोड़ते हैं। तो इस साल जो अवार्ड की बात की आपने, इस साल का अभी हमने फिलहाल डिसाइड नहीं किया है। येस, बट रिसेंटली हमारा अभी इंस्पायर अवार्ड्स हुआ है, जिसमें सोहा अली खान जी आई थी एंड काफ़ी मीडिया भी मौजूद थी। और अभी नेक्स्ट अवार्ड हमारे जो है नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है, एंड बिटवीन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड जून वील बी हैविंग आवर अवार्ड्स, सेकेंड एडिशन इन दिल्ली इंस्पायर अवार्ड्स का। ये हमारे जो सर एग्जिबिटर्स हैं, ये ऑल अक्रॉस द कंट्री से आए हैं, जहाँ दिल्ली से हैं, नॉर्थ इंडिया से हैं, चंडीगढ़ से हैं, अपना हिमाचल प्रदेश से हैं, गुजरात से हैं, बड़ौदा से, चेन्नई से हैं, बाद में कुछ लोग बेंगलोर से आए हैं, तो काफ़ी लोग हैं फ्रॉम मुंबई से। तो इट गोज़ विदाउट सेइंग, मुंबई से भी काफ़ी लोग हमारे साथ में पहले से जुड़े हुए हैं। सिर्फ एग्जिबिटर्स ही नहीं, बल्कि विजिटर्स भी हमारे यहाँ ऑल अक्रॉस द कंट्री से आते हैं। हमारे पास में 5 लोग आए थे जम्मू एंड कश्मीर से, विजिटर्स ने एंट्री की, 5-6 लोगों का ग्रुप बेंगलोर से, जो सिर्फ हमें मिलते हैं और हमें बताते हैं कि वी हैव कम हियर टू जस्ट फॉर यू मैम, जस्ट टू विजिट द शो। बेंगलोर से आते हैं विजिटर्स इन ग्रुप्स, गुजरात से हमारे यहाँ कल 12 लोगों का ग्रुप आके गया, दे कम टुगेदर टू कम एंड यू नो इन्जॉय द शो। इसके अलावा क्योंकि सिर्फ यहाँ कंसल्टेशन ही नहीं हो रहा है, हमारे बैक टू बैक वर्कशॉप्स, हम एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए वर्कशॉप्स हमारी होती हैं, एस्ट्रो एंड वेलनेस टॉक्स हो रहा है कॉन्फ्रेंस रूम में, जहाँ मॉर्निंग 11 o'clock से इवनिंग 8 o'clock तक बैक टू बैक हमारे यहाँ सेशंस होते हैं। सेशंस आर ऑल अबाउट जस्ट ये सब मोडालिटीज़ जो हम बाहर कंसल्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें जानने के लिए, उसकी नॉलेज हासिल करने के लिए हम ये सेशंस हम रखते हैं, जो फ्री है विजिटर्स को अटेंड करने के लिए, जहाँ वो नॉलेज की जानकारी हासिल कर सकते हैं, एक्सपर्ट से 1-on-1 कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड इफ़ दे रिक्वायर दे कैन कंसल्ट देम ऑन देयर स्टॉल्स इंडिविजुअली। यस, राइट। बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदेमंद बिल्कुल होता है सर, बिकॉज आज जब लोग यहाँ आते हैं, लोगों से मिलते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट एस्ट्रोलॉजी विच हेल्प अस, ये लोगों को कनेक्ट करते हैं, यहाँ जो लोग हैं वो गाइड करते हैं उनको। काफ़ी लोग शैटर्ड रहते हैं इमोशनली भी,
तो उसको कहीं ना कहीं इमोशनल अपलिफ्टमेंट कहीं ना कहीं उनको मिलता है, यहाँ आके उनको एक रे ऑफ होप नज़र आती है कि नहीं, जो हमारी सोच, एक मेन इंसान की सोच होती है, काफ़ी फैमिलीज़ में डिस्प्यूट्स होते हैं, ये डिस्प्यूट्स क्यों होते हैं, बिकॉज देयर इज नो सेंस ऑफ फॉरगिवनेस, हम ये सब चीज़ें लेट गो नहीं करना चाहते, काफ़ी इमोशनल बैगेजेस अपने साथ में लेके, तो यहाँ आके उनको गाइडेंस मिलता है कि हमारी लाइफ में जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, देयर इज सर्टन थिंग्स जो हम अपने में चेंज कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट, जो उनको हम गाइड करते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स गाइड करते हैं और उनको एक रे ऑफ होप नज़र आती है, इसलिए वो आते हैं। हर साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। दिस इज़ इट हैज़ बिकम अ फैमिली नाउ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, सबसे पहले तो एस्ट्रो वर्ल्ड का मोटिव यही है कि हम यहाँ अंधश्रद्धा बिल्कुल प्रमोट नहीं करेंगे। हम जब अपने इधर, आप जितने भी एक्सपर्ट्स देखेंगे वो कहीं ना कहीं हम साइंटिफिकली, और यहाँ साइंटिस्ट भी मौजूद हैं, आप मिलेंगे कुछ लोग स्टॉल्स पे, आप जाएंगे तो देयर आर पीपल हु आर साइंटिस्ट जिन्होंने 30-30 साल के एक्सपीरियंस को अपने कहीं ना कहीं उसका निचोड़ यहाँ लोगों के बीच में प्रेजेंट किया है उनके प्रोडक्ट्स के थ्रू, एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे। सो यहाँ सबसे पहली बात ये है कि हम अंधश्रद्धा, काला जादू, ये सब हम बिल्कुल प्रमोट, ब्लैक मैजिक, वी डोंट प्रमोट ऑल दिस थिंग्स। वी आर हियर टू हेल्प पीपल, हील पीपल एंड हील पीपल लाइफ्स टू मेक देम हैप्पी। सो आई एम श्योर वी आर नॉट गोइंग टू प्रमोट एनी ब्लैक मैजिक हियर। जी 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 सर, काफ़ी लोग आते हैं ऐसे जो, बट वी हैव टू टेल देम अपफ्रंट, हम वी डोंट प्रमोट दिस। हम उनकी मोडालिटीज़ पहले चेक करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, उनके बारे में हम जानते हैं, प्रोफाइल हम स्टडी करते हैं, फिर ही उनको एक जगह मिलती है एस्ट्रो वर्ल्ड में। हमारे एग्जिबिटर्स की पहले हम खुद थरो स्टडी करते हैं। सी आई डोंट हैव एनी कमेंट्स बिकॉज आई डोंट बिलीव इन इट, ना ही मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि ये बंगाली बाबा और ऐसे लोगों के पास जाएं और मिसलीड हो। अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए तो आप एस्ट्रो वर्ल्ड में आइए और हमसे कनेक्ट कीजिए, हमारे नंबर सब जगह मौजूद हैं। मेरा नाम सिराज जोंदले है, मेरा नंबर है 9920187735। आप जिस फील्ड में इमोशनल डाउन है, आपकी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपके बच्चों को लेके आपको प्रॉब्लम है, आपको करियर संबंधी, हमारे ऑल अक्रॉस इंडिया से हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपको वो पर्टिकुलर पोजिशन लाइन में कहीं ना कहीं जहां आपको प्रॉब्लम एरिया है उसको आपको गाइड कर सकते हैं, उसमें आपको गाइडेंस दे सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ आप आए हैं तो करियर आपका ब्राइट होना ही है। यहाँ एनर्जी ही इतनी पॉजिटिव है, आपने देखा होगा इतने हीलर्स हैं जो सेल्फ हील, सबको हीलिंग, एक तो एक एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी, एक हीलिंग एनर्जी, आप देखें लोग आ रहे हैं हीलिंग ले रहे हैं, किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो वहाँ के लिए उसके लिए हीलिंग ले रहे हैं, प्रॉब्लम एरियाज उसके लिए हीलिंग हो रही है, तो ऑल टुगेदर जितने भी वाइब्स आप नहा देखेंगे आपको पॉजिटिव वाइब्स ही नज़र आएंगे मॉर्निंग में। यू नॉट, जैसे आपने एक क्वेश्चन किया है, मॉर्निंग में हमारे यहाँ दो लोग आए थे, एक हैदराबाद से आए हैं और एक पूना से आए थे, वो बोल रहे थे मैडम जैसे ही हमने एंटर किया यहाँ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है हमें, तो दिस इज़ आपने जैसे क्वेश्चन पूछा, एनर्जी बहुत फ्रेश है यहाँ बाहर इतना ज़्यादा, तो ये कहीं ना कहीं हम बाहर का इतना जो बैगेज लेके आते हैं, देर आर सो मेनी पीपल्स जो मूव अराउंड विद पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके की एनर्जी लेके साथ में आपके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी को इफेक्ट होता है। हमारा स्ट्रेस लेवल क्यों बढ़ता है, हम घर पे जा के चिड़चिड़ करते हैं ये सब, बिकॉज हम दिन में इतने सारे लोगों से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी लेवल्स हमारे फ्लक्चुएट होते हैं, तो उनको हमें बैलेंस रखने के लिए
हमें यहाँ आना ज़रूरी है और थोड़ा बहुत हमारे एक्सपर्ट से गाइडेंस लेना ज़रूरी है। जी जी सी वैसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, लेकिन कुछ इतने सिंपल प्रोसेसेस हैं, जैसे आपने मैंने आपको बताया ना, इधर टिप्स दिए जाते हैं वर्कशॉप्स में कि आप घर बैठे, इवन फैमिली लाइफ में लेडीज़ हैं तो अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का कैसे ध्यान रख सकती हैं। सॉल्ट क्लेंजिंग, नमक है, नमक को कैसे यूज़ कर सकती हैं अपने घर की क्लेंजिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। इस इतने छोटे छोटे चीज़ों को यूज़ करके, ऐसे नहीं है कि आपको इधर कंसल्टिंग चार्जेस देना है, ये फ्री है। तो छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करके आप कैसे बदलाव ला सकते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, ये वास्तु एक्सपर्ट्स हैं, क्रिस्टल हीलर्स हैं, जो क्रिस्टल के थ्रू हीलिंग कैसे होती है, क्रिस्टल आप किस किस अलग अलग तरीके के क्रिस्टल्स हैं वो कहाँ कहाँ प्लेस करके और उनसे कैसी एनर्जी निकलती है, उन वो कैसे आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट करती है, वो सब एक्सप्लेन करने के लिए बैठे हैं। इट्स नॉट दैट विद प्रूफ दे हैव देयर ओन फाइंडिंग्स, पूरी स्टडी है उनके पास में, बुकलेट्स है, तो उस तरीके से ये हम इतने कॉन्फिडेंट लोगों को लाते हैं ताकि, और हम अपने विजिटर्स जो आए हैं, गेस्ट आए हैं, हम वो इतना हैप्पीली फीडबैक्स देते हुए जाते हैं। थैंक यू सो मच।